सरोरा वन क्षेत्र में प्रस्तावित मिसर्स गोदावरी इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड उद्योग का क्षेत्रवासी भारी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जहरीली उद्योग की स्थापना के लिए वृक्षों की बलि नहीं चढ़ने देंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि महज खानापूर्ति का जनसुनवाई कर उद्योगपति को लाभ पहुँचाने का काम किया जा रहा है। जनसुनवाई में स्थानीय लोगों की संख्या नगण्य थी। सरपंच के अलावा किसी ने भी जनसुनवाई में अपनी राय नहीं रखी। एक तरह से कहा जावे तो ग्रामीण जन पर्यावरण जनसुनवाई का बहिष्कार किया है। उन्होंने पर्यावरण जनसुनवाई को धन सुनवाई करार दिया है। कहा जा रहा है कि उद्योग लगने से करीब 7000 बड़े वृक्षों के अलावा बहुतायत में मिश्रित प्रजाति के पौधों की बलि चढ़ेगी। वहीं सैकड़ों की संख्या में वन प्राणी बेघर होंगे। वही जानकारी में आया है कि इस मामले को लेकर ग्रामीण व जनप्रतिनिधि उच्च न्यायालय की रुख करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। तिलदा न्योरा से अजय नेताम की रिपोर्ट। पंचायत से गई है? नहीं, कोई आपके क्या कहना है? हमारे पास अभी 15 दिन पहले उनका आदमी आया, 9 तारीख का उनका जन सुनवाई का। हमने भी ये सवाल किया कि पहले आप जिस जमीन का उल्लेख कर रहे हो वो जमीन किसके अधिपत्य में है। मैंने राजस्व रिकॉर्ड उसका खोजबीन किया। राजस्व के रिकॉर्ड के मुताबिक उक्त जमीन कृषि विभाग को आवंटित है। बदकिस्मती कहिए कि उस जगह पे आज जंगल विभाग का भी है और उसी जगह पे इन्होंने अपना जन सुनवाई कर रहा है। हम को समय समझ से परे है कि जो जमीन हमारा नहीं है उस पे हम कैसे स्पंज का स्थापना करें, कोई उद्योग की स्थापना हम कैसे करें। हमने 2 साल पहले इसका इश्तिहार माननीय तहसील द्वारा निकाला गया था। हम लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया, गांव के पंचायत लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे, मेरा जनपद सदस्य भी विरोध किया, उप सरपंच भी विरोध किया, हम लोग भी विरोध किए, इसका कलेक्टर तक के ज्ञापन दिए हैं, पर आज तक के हमारे आवेदन पर किसी का कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया। परसदा पुरसुदा में मेरी खेत है और जो पहले हाईटेक पावर आया उसके बाद महिंद्रा स्पंज आया उसके बाद यहाँ पे संभव आया। लगातार इन्होंने एक फैक्ट्री का निर्माण किया उसके बाद अंदर में लगातार 3-3 फैक्ट्री, 4-4 फैक्ट्री चला रही है। गांवों को कोई समुचित व्यवस्था नहीं दे रही, ना कोई सुविधा दे रही है, ना स्वास्थ्य के नाम में, ना शिक्षा के नाम में। और हर जगह बाहरी लोगों को ला के हजारों की संख्या में रखा गया है। जब हम शहर में कहीं किरायेदार रखते तो उसका बाकायदा आधार कार्ड पुलिस द्वारा लिया जाता है, शासन द्वारा लिया जाता है, प्रशासन द्वारा लिया जाता है। लेकिन हजारों की संख्या में जो झारखंड और बिहार से बाहरी लोग को ला के यहाँ काम चलवा रहा है और हमारे स्थानीय लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। और हमारे लोगों को अगर काम दिया जा रहा है तो केवल कुली कबाड़ी और लेवल ग्रेड में काम दिया जा रहा है। उच्च लेवल में हमारे गाँव के लोगों को काम नहीं दिया जा रहा है। मैं कंपनियों वालों को खुला चैलेंज कर रहा हूँ, योग्यता के आधार में हमारे गाँव के लोगों को आप निकालते हो, आप ट्रेनिंग सेंटर खोलो और हमारे गांव के लोगों को आप ट्रेनर दो। अब मैं वादा करता हूं हमारे गांव के लोग जब तक ट्रेन नहीं हो जाएंगे तब तक निशुल्क आपके यहां काम करेंगे, और बाहरी लोगों को यहां से भगाओ और आपको भगाना पड़ेगा। और रही बात नई गोदावरी फैक्ट्री की, तो मैं आगाह करना चाहता हूं सरोरा में गोदावरी फैक्ट्री नहीं खुलेगी। शासन प्रशासन हजारों करोड़ों रुपये खर्चा करके वृक्ष लगाती है लेकिन जब सर्वे होता है तो एक वृक्ष नहीं बचता। सरोरा जंगल में 1200 एकड़ में पेड़ लगे हैं, इसको सरकार द्वारा काटने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, सरासर गलत है। इनकी जिस प्रकार विदेशों की नज़र भारत पे पड़ी है उसी प्रकार मुट्ठी भर पूंजीपतियों की नज़र हमारे सरोरा गांव में पड़ चुकी है। तो मैं इस पूंजीपतियों को भी आगाह करना चाहता हूँ, हमारे भोले भाले किसान को गुमराह मत करें और अपना बोरिया बिस्तर समेट के यहाँ से हटा ले। और मैं वन अधिकारियों को भी आगाह करना चाहता हूँ, हमारे गांव के लोग एक 25 किलो 50 किलो सूखी लकड़ी को काटते हैं उसके ऊपर बहुत दंडात्मक कार्रवाई करते हैं। तो 1200 एकड़ अगर जंगल कट रहे तो वन के अधिकारी कहाँ छुपे बैठे हैं, कौन सा पैकेज को ले कर बैठे हैं, इनका भी जवाब इस जनता को देना पड़ेगा। और ये हम लड़ाई लड़ेंगे, सड़क से सदन तक की लड़ाई रहेंगे, मरेंगे लेकिन कभी भी सरोरा में गोदावरी स्पंज आयरन आने नहीं देंगे।
जनप्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया, मात्र आरआई पटवारी और कोटवार ने उसे सीमांकन कर दिए। उसी प्रकार सामने लगा हुआ है हाईटेक परसदा का 22 एकड़ जंगल, वहां भी दे दिया गया, किसी जनप्रतिनिधि कोई राय नहीं लेगा। यदि जनप्रतिनिधि का राय नहीं मानना है, राय नहीं ले जाना है, तो कहे की जन सुनवाई क्यों हम लोगों को परेशान किया जाता है? सही बात यार, सही बात। यदि हमारी राय माना जाता है तो हमारे उस पर निर्णय लिया जाए, उसका औचित उस पर कार्रवाई किया जाए, तब जाकर हम जनप्रतिनिधि कहलाएंगे। नहीं तो ये जितने भी हैं हमको यहाँ गुजरने देंगे। मैं ये चाहता हूँ पहले वो जमीन कहाँ है, किसका है, ये हो जाए, उसके बाद जनसुनवाई हो जाए, कोई दिक्कत नहीं।